हम सब अपने जीवन में एक तरह से मुसाफिर हैं। हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे परिजन, हमारे दोस्त यार, वो सब हमारे उस सफर में हमारा साथ देने के लिए हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ लोगों से पीछे छूट जाते हैं तो हम अपने उस प्रेम को ही बदल के तनाव या दुख का रूप दे देते हैं। ये हमारे प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम की असल परिभाषा है कि जो भी व्यक्ति आपसे किसी भी समय मिले हों, उनको अपने जहन में प्रेम से भरपूर रखें। उनसे दूर होने के बाद भी उनकी चिंता में अपने आप को ना भसाएं, बल्कि अपने मन में ही उनके लिए दुआ करें। उनको वो सारा आदर सत्कार दें जो उन्होंने कभी आपको खुशी के रूप में दिया था। इसी चीज़ से अगर हम परेशान रहेंगे तो ये हमारे जीवन में हमें एक नकारात्मक व्यक्ति बना देता है। यदि कोई हमारी सहायता के लिए, हमारे को प्रेम देने के लिए सामने भी आएगा तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। प्रेम हमारे लिए अलग अलग रूप में आता है। ज़रूरी नहीं कि वो एक परिजन के रूप में ही आए या एक ऐसे व्यक्ति के ही रूप में आए जिससे हम उसकी अपेक्षा करते हैं। जब हम अपने आप को उससे मुक्त कर लेंगे तो हम जीवन में हर जीव से उस प्रेम की अनुभूति कर पाएंगे। जीवन में हर व्यक्ति से वो सहायता पा पाएंगे जिसकी हम अपेक्षा अपने परिजनों से कर रहे हैं। ज़रूरी है उसके लिए अपने आप को खोलने की, एक खुले दिल से सबको अपनाने की। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए तैयार करते हैं। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में यानी अंगूठे और पहली उंगली को आपस में जोड़ लें और हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ रखें। चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान ले आए, आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लें और इसे कुछ पल रोकें और सांस छोड़ते हुए शरीर को हल्का छोड़ दें, हल्का होने दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, कंधों को नीचे की तरफ आने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, पैरों को हाथों को ढीला छोड़ दें। एक और गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपने हृदय की धड़कन पर ले जाएं और इससे जुड़कर अपनी सांस को नियंत्रित होने दें। आप जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हो उसको कहें कि वो अपनी सारी ऊर्जा मेरी तरफ प्रवाहित करें और मुझे एक शांत स्थिति में जाने की इजाज़त दें। अब अपने आप को अपने इस शरीर से परे कर कर देखें, उस दिव्य रूप में देखें जिसमें आप इस दुनिया में आए थे। इस दुनिया में आते हुए आपने कुछ लोगों का चयन किया था, कुछ लोगों को चुना था जिनके साथ मिलके आपके जीवन का सफ़र एक खूबसूरत सफ़र बनता। आपको इस जीवन में कुछ नए सबक मिलते, पर अक्सर हम उन सबक, उन विचारों को भूल के उन लोगों के साथ ही जुड़ जाते हैं और हम इस जीवन में क्या करने आए थे उसको ही भुला देते हैं। तो अपने इस दिव्य रूप से एक बार फिर से देखिए कि हर वो व्यक्ति जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिससे मुझे लगाव है, क्या परम कारण है, किस कारण हम लोगों का मेल हुआ था, किस कारण मैं इस जीवन में इनसे मिला हूँ, क्या सीख इनके साथ ने मुझे दी है। इस बात का ध्यान होते ही, ज्ञान होते ही हम हर रिश्ते की खूबसूरती को और अच्छे से महसूस कर पाते हैं। जो लोग हमसे अब दूर हो चुके हैं, अब अपना ध्यान उन पर लेकर आए। देखिए कि किस तरह से उनका जीवन अब एक नए रास्ते पे चल रहा है और उस समय का ध्यान कीजिए जब आपके और उनके रास्ते अलग होने शुरू हुए थे। यदि ये रास्ते अलग नहीं होते तो आप दोनों ही अपने दिव्य रास्ते पर नहीं चल पाते। इस बात को स्वीकार करते हुए जितना भी वक्त आपने उनके साथ बिताया है उसके लिए उन्हें आभार व्यक्त कीजिए
और इस बात को स्वीकार करके उनको आगे बढ़ने के लिए बधाइयाँ दीजिए। अब अपना ध्यान उन लोगों पर ले जाएं जो आपको प्रेम भी करते हैं पर जिनकी चिंता से आप सदा ही परेशान रहते हैं। हम सब ने अपने जीवन को जीने का तरीका खुद ही सीखा है। हमारे जीवन में आई कठिनाइयों ने ही हमारे अस्तित्व को एक नया रूप दिया है। इसी को मानते हुए सोचिए कि वही शक्ति अब उन परिजनों का भी ध्यान रखेगी जिनकी चिंता में आप खोए रहते हैं। हमारी कठिनाइयां ही हमारे अस्तित्व को उभरने का मौका देती है। चिंता को छोड़ते ही आप उनके लिए सद्विचार, अच्छी भावनाएं भेजें। यकीन करें उनकी काबिलियत पर कि वो अपना ध्यान स्वयं रख सकेंगे। इस बात को अपने अंदर समाते हुए सबको अपना प्रेम दीजिए और स्वयं को उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा में समाता हुआ महसूस कीजिए जो आपको सुरक्षित रखे है। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर में वापस आएंगे, एक नई समझ, एक नए विवेक के साथ, बिल्कुल शांत और स्थिर। चेहरे पर एक मन सी मुस्कान लेकर आइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और देखिए किस तरह से ये ऊर्जा आपको अपने अंदर समेटे हुए है। और आज आप जहां भी जाएंगे ये ऊर्जा आपका साथ देगी। हाथों को अपने आपस में रगड़िए और अब इसे अपनी आंखों पर रखिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। स्वागत है आपका